धौलपुर कोरोना वायरस कोविड-19 की इस महामारी से देश और दुनिया सहमी हुई है। ऐसे में जहां इस लड़ाई को लड़ रहे हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही कर्मवीर पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजेश कुमार कांस्टेबल गाँव खनशवारा जिला भरतपुर से हैं, जो धौलपुर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना के संकट काल में वह 1.5 महीने से अपनी ड्यूटी पर तैनात है, साथ ही उनका परिवार गाँव में रहता है। परिवार में माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चे हैं, जो इस संकट काल में उनके लिए और इस देश के लिए दुआ करते हैं। राजेश कुमार ड्यूटी के बाद जब परिवार से बात करते हैं तो माँ और उनके बच्चे फोन पर भावुक होकर उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, तो राजेश कुमार अपनी बुलंद आवाज में यही बताते हैं कि मुझे देश की रक्षा करनी है और कोरोना से जंग लड़नी है। परिवार को भी मजबूती के साथ सावधानी और बचाव के उपाय बताते हैं। ऐसे कर्मवीर परिवार समाज और देश के लिए गौरव की बात है। राजेश कुमार वर्तमान में धौलपुर के पुराना शहर स्थित टूटे दरवाजे पर अपनी टीम के साथ ड्यूटी करते हैं, जो कि कर्फ्यू क्षेत्र में आता है, और अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से देते हुए पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि कर्फ्यू क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। राजेश कुमार जैसे अनेकों कोरोना योद्धा तपुर त्याग कर इस लड़ाई से जंग लड़ रहे हैं। हमें इनका तपुर त्याग देखते हुए सम्मान करना चाहिए और सारे नियमों की पालना करते हुए अपना दायित्व निभाना चाहिए।